गाइस तो फिलहाल हम लोग अभी उत्तराखंड के लिए पहुँच चुके हैं। फिलहाल अभी हम लोग ये एप्पल का शोरूम जा रहे हैं। गाइज तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज फिर से एक नए ब्लॉग की स्वागत है। तो आज एक्चुअली हम लोग मॉल जा रहे हैं जो कि क्राउन इंटीरियर फरीदाबाद में एक मॉल है। तो फिलहाल अभी हम लोग मॉल के लिए निकल रहे हैं और वहां पे अभी मेन मकसद हम लोग का जाने का है कि आईफोन 12 का काफ़ी सारे ऑफर्स वहाँ पर चल रहे हैं। तो एक तो वहाँ पर रिलायंस मार्ट है, उसमें भी ऑफर्स हैं। दूसरा जो आईफोन्स का जो शोरूम्स है वहाँ पे भी ऑफ़र चल रहा है, और तीसरा जो क्रोमा है उसमें भी ऑफ़र चल रहा है। तो फिलहाल हम लोग तीनों आउटलेट पे जाएंगे और वो देखने का कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या ऑफ़र चल रहा है। अगर हमें ऑफ़र सही लगा तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल अभी हम लोग आईफोन 12 जो कि देखने जा रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग क्राउन ट्रेल के निकल रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर ले। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और आप लोग को एक एक अपडेट देते हैं। और ये देखिए हमारी आद्या भी तैयार हो गई है और इसका थोड़ा थोड़ा सा बाल आ गया है ना। भागी आद्या। तो सारे लोग हम लोग तैयार हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अभी पाँच बजने वाला है। तो हम लोग 5 बजे के आसपास निकल रहे हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और एक एक अपडेट आप लोग को देते हैं। गाइस तो फिलहाल हम लोग अभी क्राउन इंटीरियर पहुंच चुके हैं और क्राउन इंटीरियर के भी हम लोग पार्किंग में हैं। और ये देखिए पीछे आद्या दिख रही है और इसका शैतानी देखिए, जहां जाता वहां शैतानी इसका चालू हो जाता है हर जगह। तो फिलहाल अभी हम लोग एप्पल का शोरूम जा रहे हैं और वहां पे देखते हैं कि आईफोन का क्या रेट है। तो आप लोग को ही बताता हूँ कि वहाँ पे जो आईफोन 12 का क्या रेट हमें पड़ता है डिस्काउंट वगैरह करके। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और अभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग ये एप्पल का शोरूम जा रहे हैं और ये सामने जो है UNI जो एप्पल का शोरूम है, तो फिलहाल अभी उसी में जा रहे हैं और देखते हैं कि आईफोन 12 का क्या रेट है। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। गाइस तो ये देखिए यहाँ पे जो आईफोन 12 का रेट है 56,900 के करीब है, जो कि हमने गया था तो यहाँ पे सारा डिस्काउंट्स वगैरह करके 128 GB जो स्टोरेज था तो उसमें हमें टेम्पर ग्लास एंड उसका कवर साथ में था और टोटल कॉस्ट हमें 64,700 कुछ रुपये के करीब पड़ रहा था, जिसमें कि 4,000 रुपये कैशबैक था जो कि 120 दिन बाद हमें वो हमारे कार्ड में वापस आता। तो करीब वो कैशबैक अगर हटा दे तो हमें वो 60,700 के करीब पड़ रहा था, जो कि आईफोन 12 128 GB स्टोरेज वाला था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अभी क्रोमा में जा रहे हैं, क्रोमा में देखते हैं कि वो कितने का पड़ता है। हाल ही हम लोग क्रोमा में हैं और क्रोमा में एक बार पता करते हैं कि इसका क्या रेट पड़ता है। तो क्रोमा में भी सेम रेट था, यहाँ पे जो पता किए ये तो पता चला कि जो 128 जो मेमोरी वाला था उसका टोटल कॉस्ट 62,000 के आसपास था और 4,000 का कैशबैक था, तो यहाँ पे भी 58,000 के आसपास में इसका कॉस्ट था। एंड इसके बाद इसमें
2000 का चार्जर लगेगा एंड और यहाँ पे कवर एंड टेम्पर ग्लास यहाँ पे साथ में नहीं था, तो भी अगर दोनों लेंगे तो 2000 के आसपास लगेगा। तो लगभग यहाँ का जो एप्पल का जो शोरूम, एप्पल का जो शोरूम में जो रेट था और जो क्रोमा का रेट था, जो लगभग लगभग बराबर ही था, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। दोनों के करीब वही 60,000 के आसपास जो के है कि वो रेट पड़ता। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रिलायंस वाले स्टोर में जा रहे हैं और रिलायंस वाले स्टोर में देखते हैं कि इसका क्या कॉस्ट होता है। जीत को देखिए फुल मज़े में है, ये काफ़ी जिद कर रहा था कि मैं इस गेम को खेलूंगा। हम लोग ने काफ़ी मना किया कि पैसे की बर्बादी है, बट वो काफ़ी जिद करने लगा, तो फिर उसको हमने इसका मज़ा ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप्स का ये गेम है। हम लोग के टाइम में इस टाइप्स का गेम नहीं हुआ करता था, आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि क्या क्या टाइप्स का गेम आ चुका है। हम लोग के टाइम में सिर्फ गुल्ली डंडा खेलो, वही गेम होता था। तो आज के बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अभी 10:15 के आसपास हो चुका है और अभी हम लोग रिलायंस मॉल से घर वापस आ चुके हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे हमने एप्पल के स्टोर्स में गया था, वहाँ भी करीब वही 60,900 के आसपास का रेट पड़ रहा था, अगर कैशबैक वो भी 4 मंथ बाद आता। अगर कैशबैक हटा दे तो हमें 65,000 के आसपास रेट आ रहा था। एंड सेम वही क्रोमा में था, अगर कैशबैक जिसमें जोड़ दे तो 61,000 पड़ रहा था एंड कैशबैक हटा दे तो ये 65 के आसपास था। और रिलायंस मॉल में भी सेम वही रेट था। तो सभी जगह लगभग एक ही ऑफ़र चल रहा था जो कि 14% डिस्काउंट था एंड उसके अलावा फिर 4,000 का कैशबैक था। तो फिलहाल अभी हमारा बजट से थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा था, एक्चुअली रेट काफ़ी अच्छा था लेकिन हमारा बजट से ऊपर था। तो एक्चुअली वो जो हम लोग ने लेने गए थे उसका रेट 70,000 के आसपास था, जो हमें 60,000 के आसपास था, तो रेट तो काफ़ी अच्छा था, इतना सस्ता में हमें वो मिल रहा था। बट फिलहाल अभी थोड़ा सा बजट के अकॉर्डिंग हम लोग अभी थोड़ा सा डिले कर दिए हैं। तो फिलहाल हम नेक्स्ट जो भी ऑफ़र आएगा उसका वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी आईफोन 12 वो परचेज करेंगे। तो अभी हम लोग ने वहाँ से घर से वापस आ चुके हैं एंड अभी 10:15 रात हो चुका है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में।